स्वामी जी, अब कार्यक्रम की शुरुआत में आपने एक तस्वीर दिखाई थी, अब उसी पर लौट के आते हैं क्योंकि ज्योत्सना यहीं से हाथ बढ़ा के सिंघाड़ा उठाने की कोशिश कर रही है। मैं बचपन में बहुत खाए हैं। तब तक कल का प्रोग्राम बताओ। तो हाँ, आप तैयारी करें, मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। सर्दी के मौसम से पहले कैसे करें जोड़ों के दर्द को कंट्रोल, कमर घुटने में सूजन और अकड़न, किस योग से दूर होगी गठिया की टेंशन, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर योग सेशन, मिलेगा ज्वाइंट पेन का फुल सोल्यूशन कल सुबह 7:56। तो सिंघाड़े का आज हलवा बनने जा रहा स्वामी जी। ये सिंघाड़े का, हाँ सिंघाड़े का आटा भी प्योर हमने उपलब्ध कराया, सारे मोटे अनाज ये हमने देश में पहली बार उपलब्ध कराए एक साथ पूरी शुद्धता के साथ। तो सिंघाड़े के आटे को गाय के घी में भूना, अब ये गाय के घी में जब भूनते सिंघाड़े के आटे को, अब ये बैठे बैठे सबको खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है ना, तो जब ये खाने का मन कर रहा है और काफी स्वादिष्ट भी नजर आ रहा है, भून करके जब ये घी छोड़ देता है ना, तो ये जब ये घी छोड़ देता है तब इसके अंदर हम बूरा या शक्कर मिलाते हैं या मधुरम मिलाते हैं, बाकी ये चीनी नहीं मिलाते। तो और इसकी चाशनी बनाने का भी एक तरीका है कि जितना आटा उतना ही घी, और कुछ लोग दुगना मिलाते हैं शक्कर चीनी, वो हम चीनी तो मिलाते नहीं, बूरा मधुरम या शक्कर हम जितना आटा उतना ही घी और उतनी ही शक्कर, और उससे जो है 3 गुना पानी ले लेते हैं, तो एकदम मज़ेदार हलवा बन जाता है। तो अब टाइम लगेगा इसको तो थोड़ा सा पूरा हलवा बनाने में, आप कल का कोई बात नहीं स्वामी जी, प्रिया और ज्योत्सना ने इसकी खुशबू यहाँ महसूस कर ली है, पानी में उबाल दिया ये। अब हम आपसे अनुमति लेते हैं, आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम स्वामी जी। सिंघाड़ा का हलवा खाने से हड्डियां मजबूत हो जाती है। धन्यवाद, प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।